कन्नौत के पास खातेगांव में एक बाइक और कार की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल खातेगांव के निवासी राजेश पिता हरिशंकर राठौर, इनकी पत्नी सुनीता एवं पुत्री वैशाली सुबह सुबह नेमावर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान हरदा की ओर से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत 108 को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, परंतु हादसे में लगी गंभीर चोटों के चलते तीनों ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। इस भयावह हादसे के बावजूद गहरी नींद में सो रहे प्रशासन के कानों तक जू नहीं रेंगी और टक्कर मारने वाले आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस कार जब्त करने में भी असफल रही। प्रशासन के इसी ढीले रवैये पर आक्रोशित नागरिकों ने चक्का जाम कर दिया। खातेगांव के रहने वाले राजेश राठौर अपनी पत्नी सुनीता और अपनी 15 वर्ष की बालिका के साथ महाशिवरात्रि पर्व पर वो नेमावर स्नान के लिए जा रहे थे। तो वो नेमावर से 2 किलोमीटर पहले रामनगर पर उसकी मोटरसाइकिल को एक एसयूवी कार ने से उसकी एक्सीडेंट हो गई थी। इसमें माता पिता तो जब उनको खातेगांव लाया गया तो उनकी डेथ हो गई थी, बिटिया उनकी हरदा अस्पताल में थी। उसी ने ये सूचना दी थी, फिर वो उनकी उस 15 वर्ष की बिटिया का भी देहांत हो गया था। इस पर अब थाना खातेगांव में अपराध दर्ज कर लिया गया है, गाड़ी जब्त कर लिया गया है। स्थानीय विधायक माननीय आशीष शर्मा जी के द्वारा मृतक तीनों मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई है।